प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। हम लोग पिछले कई महीनों से प्रभु के वचन से रोमियो नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। जैसा मैंने याद दिलाया, उसका नाम रोमियो इसलिए है कि रोम में जो लोग थे उनको ये लंबा सा पत्र लिखा गया था। आज हम उसके आखिरी अध्याय को खोल रहे हैं और जब आखिरी अध्याय में आते हैं तो इस पुस्तक का एक सारांश जो पिछले कई महीनों में हमने जिसका अध्ययन किया था वो जरा बताना चाहता हूँ। पहले अध्याय में हमने इस बात को देखा था कि मनुष्य पापी है और मनुष्य के भयानक पाप के कारण प्रभु ने मनुष्य को छोड़ दिया है अपने कुकर्मों में, और इस कारण मनुष्य अपने भयानक पाप और कुकर्म के कारण दुनिया में धीरे धीरे बुरा होता जा रहा है। दूसरे अध्याय में हमने ये बात देखी थी कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मतलब यदि आपको लगता हो कि आपका जीवन अच्छा है या आपको यदि ये बात मालूम हो कि आपका जीवन अच्छा नहीं है, हर व्यक्ति का न्याय होगा और हर व्यक्ति का न्याय प्रभु जो न्यायी है वो सच्चे न्याय से करेंगे। और हमने ये देखा था कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति प्रभु के सामने खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि प्रभु मैंने तो बहुत ही पवित्र जीवन बिताया है। उस संसार के सृष्टिकर्ता न्यायी के सामने सब कुछ खुला हुआ है। तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि इस संसार में सब पापी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये दावा कर सके कि नहीं मैंने पाप नहीं। चौथे अध्याय में हमने ये देखा था कि मनुष्य जो जन्म से ही पापी है वो सिर्फ विश्वास के द्वारा एक नया जीवन पा सकता है। पांचवें अध्याय में हमने देखा था कि जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं तब प्रभु किस तरह से हमको पाप की क्षमा देते हैं, और पाप की क्षमा के अलावा और भी बहुत सारी बातें जीवन में देते हैं। छठवें अध्याय में हमने देखा कि जिस व्यक्ति ने प्रभु में नया जीवन पा लिया है उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, अब मुझे नया जीवन मिल गया है, मैं प्रभु की संतान हूँ, इस कारण वो जो मेरा पुराना जीवन था पाप से भरा हुआ जीवन, अधर्म से भरा हुआ जीवन, मुझे कभी भी उस जीवन की ओर वापस नहीं जाना चाहिए। सातवें अध्याय में हमने देखा था कि नया जीवन पाने के बावजूद हमारे मन के अंदर बड़ा संघर्ष चलता है। हमारा जो नया स्वभाव जो प्रभु ने हमको दिया और हमारा पुराना स्वभाव जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं, इनके बीच में आपस में हमेशा भयानक संघर्ष चलता है, और उस संघर्ष के कारण हम पाप में गिर सकते हैं, गिरने की संभावना है, और इस कारण इस संघर्ष को अच्छी तरह से समझकर हमें प्रभु के ऊपर आश्रित रहना है जिससे कि संघर्ष में हम हार ना जाए। नौवें अध्याय में हमने देखा कि प्रभु सारी दुनिया, सारी भाषा, सारे धर्म, सारे संस्कृति और बिना किसी अंतर के सारी दुनिया से सब लोगों को नया जीवन देते हैं, और जब ये नया जीवन दे देते हैं तो इस तरह से प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन प्राप्त
किए हुए लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है, एक बहुत बड़ा समाज है। उस समूह के बारे में हमने 9वें अध्याय में पढ़ा। 10वें अध्याय में 9वां अध्याय जो कहता है उसको फिर से याद दिलाता है, और 10वें अध्याय का विषय यह है कि प्रभु अपनी सृष्टि से प्रेम करते हैं। प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहते हैं कि उनकी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति नाश न हो, कोई भी व्यक्ति पाप के हाथों में फंस न जाए, और इसलिए प्रभु ये मुक्ति का रास्ता सारी दुनिया के सब लोगों के लिए खोल देते हैं, खोल दिया है। और इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने आप को जांचे कि क्या मैंने वो नया जीवन पाया है जो प्रभु के द्वारा मुझे मिल सकता है, या जिसके लिए प्रभु बार बार कहते बच्चे मेरे पास आओ, मैंने न केवल तुम्हारी सृष्टि की है, मैं तुमको एक नया जीवन भी देना चाहता हूँ, एक नई खुशी देना चाहता हूँ, एक नई आशा देना चाहता हूँ। 11वां अध्याय फिर से हमको यही बात याद दिलाता है, प्रभु की इच्छा है कि इस सारे संसार में, प्रभु की सृष्टि में जितने उनके बच्चे हैं सबके सब इस नए जीवन को पाए। 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु के द्वारा ये नया जीवन पाया है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने जीवन में धीरे 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 बदले, उनके जीवन में बदलाव आए। वे शिशु थे आत्मिक रूप से, लेकिन शिशु की अवस्था से धीरे धीरे बढ़ेंगे। हम खुद जानते हैं ये घर में जब बच्चा पैदा होता है तो समय असमय पर वो रोता है, समय असमय वो सोता है, समय असमय वो बिस्तर गीला करता है, गंदा करता है। माँ बाप कभी उस शिशु से ये कहते हैं कि देखो सोने के टाइम फिक्स कर लो, जागने के टाइम फिक्स कर लो, बिस्तर गीला करने और गंदा करने का टाइम फिक्स कर लो, तुम बार बार करोगे तो हम तुमको साफ नहीं करेंगे। कोई बोलता है क्या? नहीं, कभी नहीं बोलता है। एक शिशु शिशु है, लेकिन जैसे जैसे वो शिशु अपनी उम्र में बढ़ता है माँ बाप उसको ट्रेनिंग देते हैं। एक उम्र ऐसी भी आती है जब माँ कहती है बेटा स्कूल जाना है, जाके स्नान करो, बच्चा अपने आप जाके स्नान करता है। उसके बाद एक उम्र आती है जब माँ उससे ये भी कहती है कि स्कूल जाना है, कब सुबह स्कूल जाना है, शाम को अपना बस्ता जमा के रखो, तो बच्चा टाइम के हिसाब से अपना बस्ता अपने आप जमाता है। एक और एज के बाद बच्चे को कुछ नहीं बोलना पड़ता, जब वो कॉलेज में जाने लगता है तो उसको खुद मालूम रहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कौन सी पाठ्य पुस्तक खरीदनी है वगैरह। आत्मिक जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। आत्मिक जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तब आत्मिक रूप से शिशु होते हैं, पूरी तरह से अज्ञान, हमको ये नहीं मालूम कि क्या करना है और ये नहीं मालूम कि क्या नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक बच्चा शिशु से बढ़कर बड़ा होता है, उसी तरह से हम अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक शिशु से बढ़कर आत्मिक पुरुष हो जाते हैं। 12वां अध्याय इस विषय के बारे में हमको बताता है, और इसका है 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और हमको बार बार ये अध्याय पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम ये जान सकें कि इस नए जीवन को पाने के बाद प्रभु के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि न केवल प्रभु के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उस राष्ट्र के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। 13वें अध्याय में प्रभु का वचन ये विषय हमको बताता है। प्रभु का वचन 13वें अध्याय में हमको बताता है कि जिस राष्ट्र में प्रभु ने हमको रखा है, जहां प्रभु ने हमको जन्म दिया है, उस राष्ट्र के अधिकारियों को प्रभु ने ठहराया है। प्रभु ने उनको क्यों ठहराया है, प्रभु ने उनको क्यों ये स्थान दिया है, प्रभु ने उनको ये स्थान इसलिए दिया है कि वे
इस देश को सही रीति से चलाएं, इसका नियंत्रण करें, इसको सुचारू रूप से चलाएं। और इसलिए हर मसीही व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जो भी सरकार देश को देश कट को चला रही है या देश का नियंत्रण करती है उस संसार उस सरकार के कहने के अनुसार जीवन बीता है। सरकार यदि कहती है कि स्टेशन पर जाने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट ले लेना है तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना ही है, कोई जांच रहा है या नहीं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि कोई जांच रहा हो या ना जांच रहा हो हम नियम का पालन करें। गाड़ी चला रहे हो, साथ में लाल बत्ती है, चाहे बाकी चारों तरफ ट्रैफिक हो या ना हो आपको रुक जाना चाहिए। प्रभु का वचन इस 13वें अध्याय में बताता है कि हमको राज्य के नियम, शासन के नियम, इनका पालन करना चाहिए। सरकार आपको पसंद है या ना पसंद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम में से हर व्यक्ति जीवन में बहुत सारी चीजें पसंद नापसंद करता है, लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जो राज्य को चला रहे हैं उनको आप पसंद करते हो या ना पसंद करते हैं, राज्य के सारे कायदे कानून नियमों का पालन हमारे लिए जरूरी है। 14वां अध्याय हमको याद दिलाता है कि भाइयों बहनों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। देखिए 12, 13, 14 ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा आपस में संबंधित है। 12 याद दिलाता है प्रभु के प्रति हमारी जिम्मेदारी, 13वां अध्याय याद दिलाता है राज्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी, 14वां अध्याय हमको याद दिलाता है मेरे भाई या बहन के प्रति मेरी जिम्मेदारी, 14वां अध्याय याद दिलाता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाई अपने बहन की सुरक्षा करूं, उनके जीवन में भलाई हो इसलिए मैं भलाई की कोशिश करूं। और 14वां अध्याय खास एक बात बताता है, अपने भाई के जीवन में किसी भी तरह के गिरावट का कारण मत बनना, यदि गिरावट का कारण बनते हैं तो प्रभु हमसे खुश नहीं है। 15वां अध्याय हमको ये सारी बातें बताने के बाद 15वां अध्याय एक सब लोगों के लिए प्रभु के वचन के नियम है वो हमको बताता है, और वो नियम ये है, देखो मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने इस संसार की सृष्टि की, इस संसार में जो भी है वो मेरे बच्चे हैं, और इस संसार में जो भी है मैं उन सबको उठा मुक्ति या नया जीवन देना चाहता हूँ। इस कारण मेरे प्रिय बच्चे मेरी प्रिय बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि इस संसार में जितने लोग हैं सबके लिए भलाई और उन्नति के लिए तुम कार्य करो। आप कहेंगे कि मैं ये कैसे पड़ोस में रहता हूँ जहाँ प्रभु यीशु का कोई भी अनुयायी नहीं है। अनुयायी है या नहीं इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपके पड़ोस में जो लोग हैं आप उन सबकी भलाई की कोशिश करें, भलाई का प्रयत्न करें। क्यों? इसलिए कि उस अड़ोस पड़ोस में प्रभु ने आपको इसलिए रखा कि एक दिए के समान, एक लाइट के समान आप कार्य कर सके। आप में से कितने लोगों के गांवों में आज बिजली है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग ऐसे गांव में रह चुके हैं जहां बिजली नहीं है वो लोग जानते हैं कि रात को एक लट्टू से कितना फर्क पड़ जाता है। मेरी पैदाइश ऐसे गांव की है जहां बिजली नहीं थी, और मेरी माँ का गांव वो तो इतने अंदर का प्रदेश था कि एमएससी मैंने पास की, उसके बावजूद वहां पर एक या दो घरों में बिजली हो गई थी। मैं अक्सर शनिवार शाम को नौकरी खत्म करने के बाद अपने मामा जी के घर जाता था। बस के अंदर बैठे हैं आप, बाहर देखते जा रहे हैं, बाहर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, बस आप बस की रोशनी से अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ हाँ भैया वो दुकान
हाँ ये वो दुकान आ गई जिसके सामने आपको उतरना है। उतर लिए, बस चली गई। उसके बाद हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। टॉर्च आज के समान, टॉर्च मेरा भी इतने आसानी से होते नहीं थे, बहुत महंगे होते थे। बस वहां से लगभग 2 किलोमीटर, सही कहा जाए तो जंगलों से होकर, एक्चुअली दोनों रबड़ के बागान थे। आप जानते हैं रबड़ के बगीचे जो होते हैं रात में कैसा अंधकार होता है। रबड़ के कई सारे बगीचे क्रॉस करके, दो जगह नहर क्रॉस करके जिसमें घुटना घुटना पानी है, 2 किलोमीटर चल के मामा जी के घर पहुंचना पड़ता था। कभी कभी मामा जी क्या करते थे, उनको याद था कि भांजा आने वाला है, तो वो अपने घर के सामने एक बहुत बड़ा सा लट्टू 200 वॉट का उस जमाने में होता था, वो खंबे पे टांग देते थे। और 200 वॉट का लट्टू उस अंधेरे गांव और उस जंगल में दूर से दिख जाता था, और वो लट्टू देखो तो बस फिर तो आंख मीच के लट्टू के डायरेक्शन में चल दो, आप निश्चित रूप में पहुंच जाएंगे। जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है वो लोग जानते हैं कि अंधेरे में एक लाइट, एक लट्टू मिल जाता है तो कितना फर्क पड़ जाता है। आपने स्वयं नोट किया होगा, जहां आप काम करते हैं वहां यदि रात को बिजली वगैरह चली जाए तो, और मान लीजिए टॉर्च नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई यदि अपने मोबाइल को ऑन कर लेता है तो कितनी तसल्ली हो जाती है, कितना रास्ता दिख जाता है, कितनी आसानी हो जाती है। 15वां अध्याय, रोमियो की पत्री का 15वां अध्याय हमको याद दिलाता है, मेरे बच्चे यह संसार एक बहुत बड़ा अंधकार है। इस संसार में सारी और अंधकार ही अंधकार है। लोगों को नहीं मालूम कि किस दिशा में जाना है, लोगों को नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। लोग रोशनी की आशा कर रहे हैं, रोशनी देखना चाहते हैं, और इसलिए जिस पड़ोस में तुम रहते हो उस पड़ोस में यदि तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो प्रभु यीशु का अनुयायी है, तो इस बात को निश्चित रूप से समझो मेरे बच्चे कि तुमको उस भयानक अंधकार के बीच में प्रभु ने उस लट्टू के समान टांग रखा है जो मेरे मामा जी मेरे लिए टांगते थे, और जिसको देखकर 2 किलोमीटर मैं उन जंगलों से होकर 2 बार नहर क्रॉस करके उनके घर पहुंचता है। कितनी आशा मिलती है अंधेरे में जब आपको एक रोशनी दिख जाती है। इस संसार के लोग जो प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं जानते, उन लोगों के भी जीवन में रोशनी का एकमात्र रास्ता आप है। मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, आपने कभी ये सोचा है क्या? इसलिए प्रभु ने आपको वहां रखा है। 15वां अध्याय हमको ये बात याद दिलाता है, हमको प्रभु ने रोशनी के रूप में समाज में रखा है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में हर व्यक्ति को रोशनी दें। इस अध्याय को छोड़कर आखिरी अध्याय की ओर आने के पहले एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आज से कई महीनों पहले मैंने प्रभु यीशु की एक शिक्षा आपको बताई थी। प्रभु एक बार जब बहुत सारे लोग उनकी शिक्षाएं सुनना चाहते थे, तो प्रभु चढ़ के एक पहाड़िया पर बैठ गए, और पहाड़िया पर बैठकर प्रभु ने उस भय बहुत बड़ी भीड़ की उनको उपदेश दिया। उस उपदेश में प्रभु ने 2 बातें विशेष कही थी। प्रभु ने कहा था तुम जगत की ज्योति हो, दूसरी बात प्रभु ने कहा था तुम पृथ्वी के नमक हो। कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने आज से कई महीनों पहले बात बताई थी। नमक जिस तरह से हर चीज को स्वाद देता है, उस तरह से मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि संसार में लोग जिनका जीवन अंधेरे से भरा हुआ है, जिनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, उनके जीवन को स्वाद से भर दें। ये मैंने बात
आज इसलिए बताया कि जब भी हम ये बात करते हैं कि हम इस संसार की ज्योति हैं, तो उसके साथ साथ ये भी बताते जाना जरूरी है कि संसार, जिस संसार के लोग जिनके जीवन में ना तो कोई आशा है ना कोई स्वाद है, उनके जीवन में रोशनी के द्वारा आशा देना और प्रभु यीशु की शिक्षाओं के द्वारा उनके जीवन में स्वाद भरना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी अध्याय में आज हम आते हैं 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय के 17वें पद में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर जलाने के कारण होते उन्हें ताड़ दिया करो, उनसे दूर रहो। प्रभु का वचन, ये लंबा पत्र था प्रभु यीशु के जो महान शिष्य और सेवक थे उनमें से एक थे पौलुस, बहुत लिखते थे और लेखनों के द्वारा प्रभु के बच्चों का मार्ग निर्देशन करते थे। उन्होंने जो सबसे बड़ा लेख या जो सबसे बड़ा पत्र लिखा वो है ये रोमियों का पत्र। बड़े पत्र को अपन सामान्य के हिंदी में पत्री बोलते हैं, इसलिए इसको रोमियों के नाम पत्री बोला जाता है। इस बड़ी पत्री में बहुत सारी बातें बोलने के बाद आखिर में प्रभु के दास महान संत पौलुस याद दिलाते हैं कि जब भी जहां भी अच्छाई होती है वहां बुराई जरूर होती है, बुराई जरूर अपना सर उठाती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव पाप से भरा हुआ है। आप इस बात को जानते हैं कि मिर्ची पाउडर आप खरीदने जाते हैं, बार बार आपको चेतावनी दी जाती है कि किसी स्टैंडर्ड कंपनी का मिर्ची पाउडर देखकर खरीदें। क्यों? इसलिए कि आप खुला पाउडर खरीदेंगे तो उसमें आधी मिर्ची होगी और आधा मीट का पाउडर होगा, सुना है आपने। दवा लेने जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छे स्टैंडर्ड या विश्वसनीय दुकान से खरीदो, यहाँ आप दुकानदार को जानते हैं। क्यों? इसलिए कि लगभग हर प्रकार की दवाई नकली भी आती है और ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो असली के बदले नकली रख कर बेचते हैं। इस बात को अपन सब जानते हैं, अरे दवाई, गलत दवाई देना तो दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करना होता है, लेकिन लोग इवन दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करने से हिचकते नहीं। कारण क्या है? मनुष्य का स्वभाव पाप से भरा हुआ है। इसी पत्री के तीसरे अध्याय में हमने देखा था सबने पाप किया है और उस कारण प्रभु की महिमा से दूर है, मतलब प्रभु का, प्रभु की जो पवित्रता है, प्रभु की जो महानता है, उनका जो तेज है, मनुष्य उससे दूर है। एक बात बताइए कि दूसरे को नुकसान करने से अपने को क्या मिलेगा? किसी को मिर्ची खिला रहे हैं, उसके साथ साथ मीट का पाउडर भी आप खिला रहे हैं, आपको क्या फायदा होगा? इतिहास इस बात को बताता है कि जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं वो बुराई 10 गुना उनको वापस मिलती है। इसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती। जो लोग दूसरों को नकली दवा लेकर लोगों की जान ले रहे हैं वो इस बात को नहीं जानते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि प्रभु के यहाँ न्याय है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जीवन में सिर्फ दूसरों को लूटा। ऐसे मैं तो पेशे से जीवन पर अध्यापक रहा और इसलिए अध्यापकों के बीच में अंदर जो बातचीत होती है उसको मैं सुनता हूँ। मेरे एक साथी अध्यापक थे, नोट के बिना उनका हाथ ही नहीं हिलता, मतलब पिताजी आए हैं वो जानना चाहते हैं कि बच्चे ने परीक्षा में क्या किया जो वो पास नहीं हुआ। तो स्कूल का नियम है कि यदि बच्चा या बच्चे के माँ बाप पेपर देखना चाहे तो पेपर बाकायदा तो उनको दिखाया जाए, जिससे कि उनको पता चले कि बच्चे से गलती कहाँ हुई है, जिससे उनको ये बात पक्का मालूम हो जाए कि अध्यापक ने उसको फेल नहीं किया, बच्चा अपने
अपने स्वयं की अयोग्यता के कारण फेल हुआ है, लेकिन जब ये नियम था तब भी हमारे एक अध्यापक थे, उनके पास जाए, अरे भाई अभी मत आना, अगली बार गए तो अरे आज तो तनख्वाह का दिन है मैं व्यस्त हूँ, तीसरे दिन उनके पास आए तो अरे आज तो सरदर्द हो रहा है मुझसे वो बंडल खोला नहीं जाएगा। मुझे अभी भी याद है एक बार हमारा चपरासी था, उसने देखा कि एक बेचारा आदमी दफ्तर की नौकरी से हाफ डे छुट्टी लेकर अपने बच्चे की मार्कशीट लेने के लिए तीन बार आया और तीनों बार उसको ऐसे कर दिया, तो उसने कभी देखिए सर हमारे सर बहुत ही दयालु आदमी हैं और जब तक आप उनकी मुट्ठी गर्म नहीं करेंगे तब तक वो दया आप देख नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा मुट्ठी गर्म करने का क्या मतलब, अरे एक नोट उनके हाथ में रख दीजिए तो तुरंत जो है वो कॉपी खोल के आपको दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा मुझसे तो दिया लिया नहीं जाता, तो चपरासी ने कहा आप मुझे दे दीजिए मैं साहब को दे दूंगा। तो उन्होंने चपरासी को नोट दिया, चपरासी ने आकर सर से कहा कि सर आपका काम इन्होंने करवा दिया है, अब आप इनका काम करवा दीजिए। सर समझ गए, अरे उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा पहले क्यों नहीं बोला इत्यादि इत्यादि, और फौरन बंडल निकाला टेबल के नीचे से खोल के बच्चे की मार्कशीट दे दी। बेईमानी, लूट, घूस, मेरे साथी अध्यापक थे, लेकिन मैं इस बात को याद दिलाता हूँ, चाहता हूँ एक अच्छे अध्यापक जो विषय को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लेते थे, लेकिन जो बिना घूस लिए ना तो क्लास में पढ़ाते थे, ना ही घर पे पढ़ाते थे, ना ही एग्जाम का रिजल्ट बताते थे, उनके चारों बच्चे जो थे तो बुद्धिमान, लेकिन पता नहीं क्या कारण है उन्होंने ट्यूशन लगाया, वो किया, ये किया, चारों एक से गधे निकले। चार लड़के थे, अध्यापक बड़ा घमंड करते थे कि मैंने तो जिंदगी भर खूब पैसा बनाया है, अब मेरे लौटे भी खूब बनाएंगे और शादी पे तो पैसा घर आएगा। चारों लड़के एक से गधे, एक से डफर निकले, जो समाज में छोटी से छोटी नौकरी भी नहीं कर सके, अब पैसा क्या आएगा, उन्होंने जीवन में जो पैसा बनाया था वो उनके लिए शाप बन गया। कभी भी इस बात को ना भूलें कि प्रभु ने हमको इस संसार में इसलिए रखा है कि हम भलाई करें, ठीक है, लेकिन ये जानते हुए कि हमको हिसाब देना पड़ेगा लोग बुराई करते हैं। क्यों? मनुष्य का स्वभाव पाप से भरा हुआ है। प्रभु का वचन क्या कहता है? आज हमने जो हिस्सा पढ़ा था उसमें प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन ये कहता है कि ऐसे लोग सच्चाई के विरुद्ध ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? अरे भाई, जो आदमी जीवन पर झूठ का आश्रय लेता है, सच्चाई तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए वो तो सच्चाई का विरोध करेगा। पता नहीं आपने ऐसे कीड़े मकोड़े देखे हैं क्या, जिनका वास सिर्फ अंधकार में होता है, और आप यदि टॉर्च की रोशनी कर दे तो कीड़े ऐसा भागते हैं जान बचाते कि कुछ पूछे नहीं। मेरा बचपन एक गांव में बीता था, एक ऐसे गांव में जहां बिजली नहीं थी, नल का पानी नहीं था, और जहां साल में 160-165 दिन पानी बरसता है, जिसके कारण सब जगह उमस ही उमस है। बचपन में मेरा शौक था, मैं किचन में जाकर, अच्छा इतना ही नहीं, इस तरह के कंक्रीट के मकान नहीं थे, खपरे जिसको हर साल दो साल हटा के फिर से लगाना पड़ता है जिससे उसमें पानी अंदर ना आए, और गौशाला थी घर के पीछे बाग आएगा, उसके ऊपर तो ये नारियल के पत्ते जमा किए जाते थे। मेरा बचपन में एक शौक था,
सुबह सुबह किचन में जाकर किचन में एक दरवाजा था उसको यूं खोल के देखता था। क्यों? उस दरवाजे के पीछे 50 कॉकरोच, जिसको अपन किलचट्टा कहते हैं, बैठे रहते थे। जिन पुराने जमाने के घर जहाँ ना तो रोशनी होती थी ना बिजली होती थी और जहाँ छत खपरेल की बनी होती थी, उसमें कॉकरोच तो बहुत होते थे। वो भी ऐसे बड़े बड़े जायंट कॉकरोच जो मौका मिले तो आपको ही उठा के ले जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, सुबह जाके उसको यूँ खोल के देखता था कि 50 बैठे हुए हैं। एक चीज जो मैं हमेशा देखता था, जैसे ही आप दरवाजा खोलते हो सब प्राण बचा के वहां से भागते हैं। क्यों? कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो अंधेरे में रहता है, सड़ी गली चीजें खाता है। यदि वो रोशनी में बाहर निकल आता है तो किसी न किसी परेशानी के कारण आता है, वरना कॉकरोच अंधेरे का जीवी है, सड़े गले का आदि है। यदि कॉकरोच के राज्य में इस बात की चर्चा होती है कि यहाँ कुछ टॉर्च बांट दिए जाए तो कॉकरोच उसका स्वागत करेंगे या उसका विरोध करेंगे? कॉकरोच तो उसका विरोध करेंगे। इसी तरह से जिन लोगों के जीवन में पाप का नियंत्रण है, जो पाप के नियंत्रण में चल रहे हैं, वो लोग जब अच्छे लोगों के समाज में रहते हैं तो अच्छा बनने के बदले वो लोग अपनी बुराई समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं। वो अध्यापक जो पैसा लिए बिना अध्यापक जैसे महान व्यक्ति के काम को नहीं कर पाता, वो डॉक्टर जो घूस लिए बिना सर्जरी नहीं कर पाता, वो दुकानदार जो जानबूझकर मिलावटी माल बेचता है, लोगों की किडनी फेल हो रही है, लोगों को दवा से उसके खाने से परेशानी हो रही है, वो व्यक्ति जो मिलावटी दवा बनाता है जो दूसरों के जीवन से, ये लोग क्यों इस समाज में पनप रहे हैं? कारण ये है कि मनुष्य के मन में पाप है, और पाप जब तक उसको नियंत्रण करेगा वो बुराई ही बुराई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप कहेंगे कि शास्त्री सर इतनी बातों से है, लेकिन इसको सुन के प्रभु के बच्चे हम क्या करेंगे? हाँ, अब अगला स्टेप हमारी और आ रहा है। जो लोग इस तरह से बुराई से प्रेम करते हैं वो लोग प्रभु के वचन से हमेशा ही नाराज रहते हैं। क्यों? उनके जीवन की बुराई को प्रकाश में लाने वाला ये ईश्वर का वचन, प्रभु का वचन है। इस कारण वो लोग हमेशा प्रभु के वचन की शिक्षाओं का विरोध करेंगे। ये है 17वें पद में कि जो लोग तुमने जो शिक्षा पाई है उस शिक्षा के विरुद्ध जो लोग बोलते हैं उनके प्रति चौकस रहो। जब कोई अंधेरे में जा रहा है, जहां ठोकर खाने की संभावना है, जहां कांटे लगने की संभावना है, जहां सांप बिच्छू आदि के डसने की संभावना है, वहां यदि आपका बच्चा अंधेरे में जा रहा हो, आप उससे कहते हैं कि बेटा टॉर्च ले जा, और यदि उसका कोई चाचा या ताऊ कहता है अरे काहे को टॉर्च की जरूरत है, तो चाचा या ताऊ उस बच्चे की भलाई सोच रहे हैं क्या? जी नहीं, उस बच्चे की भलाई सोच रहा हो तो चाचा या ताऊ को पहले कहना चाहिए था कि अरे टॉर्च दे देना, बच्चा अंधेरे में ना चला जाए। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि हम इस पूरे संसार में जी रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे जो शिक्षा हमने प्रभु के वचन से पाई है उस शिक्षा के विरुद्ध बोलेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि उन लोगों को ताड़ दिया करो। ताड़ने का मतलब क्या है? कि दूर से ही पहचान दिया करो, उनको मुंह खोलने का अवसर नहीं देना, उनके जीवन से ही पहचान लो कि वे किस तरह के लोग हैं और उनसे दूर रहो। पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां फर्नेस होता है,
भाई वर्णवास का मुझे पक्का मालूम है, वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहां पर जाके रहने, वहां के देखे हैं जहाँ पर वो जो जो ओरिजिनल नीति ला के गर्म किया जाता है और उसके बाद आके नीचे रखा जाता है, खोल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुझे उस प्लांट का नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि वहाँ जाने से पहले स्पेशल जूते पहनने होते थे और स्पेशल चश्मा लगाना होता था। क्यों? वो एक प्रकार का बहुत गर्म प्रक्रिया। एक बात बताइए, वहां जो आदमी काम करता है वो जाके उसको हाथ लगा के देखता है क्या कि ये गर्म है क्या? वो तो दूर से ही उसको आते देखता है, तो वो जो सेफ दूरी है उतना दूर हट जाता है। मैं जब देखने के लिए गया तो मुझे जो भाई लेकर रहे थे उन्होंने मुझसे कह दिया था कि भैया इस लाइन के पास मत जाना, आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, इस कारण आप शायद चले जाएंगे, ऐसा मत करना। वो उतारेंगे तब आप देखेंगे कि लोग किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। दूर से इतने ही नहीं, जो लोग उससे पास गए थे वो भी बड़ा बड़ा सरिया लेके सरिये से उसको खोलते थे, पास जाके हाथ नहीं लगाते थे। इवन जो लोग सरिया लेके जाते थे उनके लिए विशेष प्रकार के ड्रेस कहा गया था कि इस तरह के वस्त्र पहनकर ही जाना, इस तरह का चश्मा लगा कर जाना। दूर से ही इन चीजों को दूर से देखना जरूरी है, दूर से ताड़ना जरूरी है। और यदि दूर से बिना पहचाने आप उसके पास चले जाएंगे तो क्या होगा? आज से बहुत साल पहले ये बात मैंने अपने जीवन में देखा। जब मैं 11वीं में पढ़ता था तब भिलाई स्टील प्लांट देखने गया। देखिए, मैं एक वैज्ञानिक के सोचने के तरीके के साथ पैदा हुआ, हर चीज के प्रति मेरी जिज्ञासा थी, और इस कारण जब फैक्ट्री देखने गए तो मैं तो हर चीज पे अचंभित होकर रह गया। अचानक हमको एक सेक्शन में ले गए जहां लोहे के बड़े बड़े बड़ी बड़ी सिल्लियां, एकदम लाल पक्के लाल सिल्लियां आ रही थी। उसके पास तक आप जा सकते थे, लेकिन जैसे जैसे वो सिल्ली पास आती गई मेरे साथ ही सब भाग लिए वहां से। मैं ही एक ऐसा बेवकूफ था या अज्ञान था जो वहीं खड़ा रहा। बाद में लोगों ने आवाज दी कि भागो भागो भागो, तब मैं वहां से उतरा। लेकिन तब तक शरीर पर काफी कुछ असर हो चुका था, सरदर्द हुआ, वो तो छोड़िए, आंखों का दर्द छोड़िए। मैंने उस दिन अपना सबसे फेवरेट शर्ट पहना था। उन दिनों शत प्रतिशत आजकल जिसे पॉलिएस्टर कहते हैं, इसके बाप दादा थे, जर्लिन बोलते हैं, शत प्रतिशत जर्लिन का एक शर्ट। उन दिनों इस तरह के शर्ट मिलते नहीं थे, बहुत महंगे होते थे, और मेरे एक चाचा जान ने मुझे बनवा के दिया था। उसको पहन के जाता था तो लोग पूछते, अरे जर्लिन की शर्ट। घर पहुंच के पता चला स्काई ब्लू, जो मेरा फेवरेट कलर है, स्काई ब्लू का वो शर्ट अब गहरा नीला हो गया था। क्यों? जल गया था। मेरे साथ क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि मेरे साथियों ने दूर से पहचान लिया कि ये तो आग है, यहां से भागो। मेरी जिज्ञासा इतनी ज्यादा था कि उस जिज्ञासा ने मेरी बुद्धि को अंधेरा कर दिया। मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया कि भैया यहां से दूर चले जाओ। यदि जिस मुसीबत को दूर से ही देखकर हमको पहचान लेना चाहिए, उसको यदि हम नहीं पहचानेंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? उसको होगा क्या? अरे स्टील की वो जो सिल्ली वहां पर थी या लोहे की जो सिल्ली थी, उसको क्या फर्क पड़ा मेरे खड़े होने से? नुकसान तो मुझे हुआ। उसी तरह से संसार में जिन लोगों के साथ हमें संगति नहीं करनी चाहिए, उन लोगों के साथ संगति करेंगे तो नुकसान उन लोगों को थोड़ी होगा, वो तो ऑलरेडी जितना बुरा होना है वो हो चुके हैं, नुकसान मुझे आपको। ये बात प्रभु का वचन याद दिलाता है।
इस बात को अच्छी तरह से पहचानने के लिए प्रभु हमें से हर एक की मदद करें। जैसा मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, यदि ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने अभी तक अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित नहीं किया है, तो हमें से किसी व्यक्ति से बात कीजिए और इस नए जीवन को प्राप्त करने के लिए उसके बाद प्रभु के बच्चे बनकर प्रभु ने जो बातें बोली हैं इन बातों के अनुसार आप अपना जीवन बिताएं। इन सब बातों को समझने के लिए और इनके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। ब्रदर मैथ्यू साहब प्रार्थना के साथ क्लोज करें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।